सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे, यहाँ साखी हुजूर बड़े महाराज जी के समय की बात है। देखिए किस प्रकार से एक सत्संगी भाई डेरा ब्यास में एक हफ्ते के लिए सेवा करने आते हैं, लेकिन किसी कारण उनके पैर में चोट लग जाती है, जिससे उनका पैर टूट जाता है। यह देखकर वह भाई बहुत दुखी होता है, लेकिन वहीं संत सदगुरु उनके पास आकर कहते हैं कि भाई आज तुम शाम को भजन सिमरन में जरूर बैठना, और देखिए किस प्रकार से उस सत्संगी भाई के अंतर्मन में क्या क्या दिखाई दिया, जो कि किस प्रकार से संत सदगुरु ने उस भाई की संभाल की। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सत्संग जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, किस प्रकार से संत सदगुरु अपने सच्चे बंदों पर मेहर करते हैं और उनकी संभाल करते हैं। तो यह साखी एक बहुत ही सुंदर सत्संगी भाई की है, जो कि बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे। वहाँ डेरा ब्यास सेवा करने के लिए एक हफ्ते के लिए आए हुए थे। सत्संग जी, जब वहाँ भाई सेवा खत्म होने के एक दिन पहले घर जाने के लिए तैयार हुए, तो किसी चीज़ से टकराकर उनके पैर में चोट लग जाती है और उनका पैर टूट जाता है। यह देखकर वहाँ बहुत दुखी होते हैं और कहने लगते हैं मनी मन में कि मैं गुरु घर सेवा के लिए आया था, और उसके बदले में मुझे मिला क्या, मेरे पैर में चोट। सत्संग जी, बाबा जी सब कुछ जानते हैं। जब वहाँ संगत को दर्शन देने वहाँ पर आ रहे थे, तो रास्ते में वह भाई उन्हें मिला, तो हमारे प्यारे बाबा जी ने उस भाई से कहा, आप जी रात को भजन सिमरन में जरूर बैठना। सत्संग जी, जब वह सत्संगी भाई ने सोचा कि आज कुल मालिक ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, शायद कोई वजह रही होगी। अब वह सत्संगी भाई पूरा दिन मस्त मौला होकर सेवा करता रहा और सभी सत्संगी भाइयों के साथ बैठता रहा। अब उसके पैर में चोट थी, इस कारण से वह चल फिर नहीं सकता था। सिर्फ बैठे बैठे जो उससे सेवा बनी वह सेवा की और अपना भजन सुमरन भी किया। सत्संग जी, शाम का समय आया और उसे भजन सिमरन का बैठना था वह सेवा पे। उस समय मुझे कुल मालिक की बात याद आ गई कि आपको आज रात को भजन सिमरन में जरूर बैठना है। सत्संग जी, जब वह रात को भजन सिमरन के लिए बैठा, तो बाबा जी उसकी सूरत ऊपर के ओर ले गए, और उनकी दया देखिए इस प्रकार से हुई कि उस भाई को वहाँ सब कुछ दिखने लगा कि उसके साथ आज होना क्या था। उसको देखिए उस कुल मालिक की दया से क्या क्या दिखा। उसे दिखा कि जिस बस से उसने अपने घर वापस जाना था, उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था और सारे ही लोग मर गए थे, और बाबा जी ने उसकी सूरत को अपनी, देखिए सत्संग जी वो तो जानी जान होते हैं, इस प्रकार से संभाल की कि वह भाई संत सदगुरु की शरण में आ गया। इसलिए देखिए वह भाई उस हादसे से बच गया और कुल मालिक ने सूली की सूल पर उतार दी। सत्संग जी, देखिए कुल मालिक तो जानी जान होते हैं। यहाँ सब देखकर उस भाई की आंखों से आंसू आ गए, और जैसे उसने आंखें खोली तो वहाँ जोर जोर से रोने लगा और अपने कुल मालिक का शुक्रिया अदा करने लगा, और बार बार कहने लगा कि हे मेरे कुल मालिक, तेरा लख लख शुक्रिया जो तूने मुझे अपने लायक समझा और मेरी संभाल की। तो सत्संग जी, देखिए साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे संत सदगुरु, हमारे प्यारे बाबा जी जाने जान हैं, वह हर वक्त हमारी संभाल करना जानते हैं। देखिए हम ही दुखी हो जाते हैं कि हमें यह किया वो किया, हमारे साथ ये हो गया, हम सेवा करते हैं फिर भी हमें इतना दुख मिला। तो वह मालिक तो जानी जान होता है, उसे सब कुछ पता है कि कब कहाँ आपकी संभाल करना है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हो सके तो अपने संत सदगुरु पर पूर्ण विश्वास करें और पूरे भरोसे और विश्वास और प्रेम के साथ भजन सुमरन में पूरा वक्त दें। फिर देखिए संत सदगुरु किस तरह से हमारी संभाल करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। और अंत में आप सभी से बस इतनी ही विनती है कि अमृत वेले उठकर नित नेम से
भजन सुमरन जरूर करें जी और मालिक की खुशियां प्राप्त करें जी। धन्यवाद।